हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी अकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स में जहाँ पे हमने न्यू मॉड्यूल दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये स्टार्ट कर रखा है अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए जहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्यों यूज होता है और किस तरह यूज होता है कुछ वहाँ पे मैंने रूल्स बताए हैं इंपॉर्टेंट जो हमने पूरे ये वाले सीरीज में यूज करना है जिससे हमारा डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा तो आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें ड्रॉ करना है इसका हम ड्रॉ करेंगे आज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या ड्रॉ करेंगे गाइस थर्ड एंगल तो थर्ड एंगल से आपको क्या समझता है कि जो फ्रंट व्यू है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा फ्रंट व्यू कहाँ आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और उसके बाजू में साइड व्यू हो जाएगा एंड देन आपका हो जाएगा फिर

फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो ये फ्रंट से ऐसा दिखेगा साइड से ये ऐसा दिखेगा एंड टॉप से वो किस तरह दिखेगा वो सारी चीजें हमें पूरी प्लॉट है तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अभी ड्रॉ करना तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ बिकॉज हमारा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कुछ नहीं करना है फर्स्ट कॉर्डनेंट में हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा सिर्फ प्रोजेक्शन लेने रहेंगे तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने ड्रॉ किया है वो ये रहा और ये इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ठीक है चिपकाते नहीं छोड़ो हम लोग इसको रेफर करते रहेंगे तो सबसे पहला जो हमारा रूल है जो हमने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं क्या है वो एक्सेस बनाएंगे फटाफट ठीक है तो ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सेस दैट इज एक्स वाई एक्सेस ये थोड़ा हिल गया डबल लाइन आ गया रोलर स्केल का यही प्रॉब्लम है ये अगर थोड़ा भी हिल गया तो आपका लाइन में गड़बड़ हो जाएगा तो ये वाई एक्सिस एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सिस थोड़ा सा नीचे ले लेंगे ठीक है देन ये जो डिस्टेंस है इतना उसके ऊपर हमें फेंट लाइन ड्रॉ करनी है राइट वन एक ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है आपको सेम आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना, करना है एक वाई एक्सेस के राइट में ड्रॉ करना है एक लाइन देन बाय एक्सेस के उस साइड ड्रॉ करना एक लाइन ठीक है ये आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे तो ये बन गया हमारा एक्चुअल एक्सेस अब हमें क्या पता लगाना है ये डायग्राम के हेल्प से मैक्सिमम हाइट कितना है मैक्सिमम वेट कितना है ऐसे भी वेट और ऐसे भी वेट तो इसको W1 और W2 लिख लेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना है इसका पता लगाते हैं ये 27 इतना हाइट दिया हुआ है और ये ऊपर का ये ऐसा स... सर्कल है सेमी सर्कल है तो so, इसका रेडियस कितना है पंद्रह तो ट्वेंटी सेवन प्लस पंद्रह कितना हो गया आपका थर्टी टू तो मैक्सिमम हाइट इज थर्टी टू ठीक है नॉट सॉरी फाइन नाउ अब आपका निकालते हैं वेट कैलकुलेट करने के लिए यहां पे आपको क्या क्या दिया हुआ है पता लगा है पहले ये पूरा फिफ्टीन है यानी कि ये पूरा फिफ्टीन होगा आपका ये चौड़ाई में है ना देन ये पंद्रह ये पूरा फिफ्टीन तो ये फिफ्टीन और आधा फिफ्टीन क्योंकि रेडियस है तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पे तो फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी देन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन अगेन थर्टी देन फिफ्टीन मतलब यहाँ पे आपको एक दो तीन चार पाँच पांच बार फिफ्टीन लेना है तो वेट कितना हो जाएगा आपका सेवेंटी फाइव है ना एंड ऐसे वेट कितना कैलकुलेट करते ये यहाँ पे पूरा फिफ्टीन है तो ये पूरा फिफ्टीन मैक्सिमम देखो ये तो इतना ट्वेल्व है ये आठ आठ दिया हुआ है तो ये पूरा कितना है फिफ्टीन है तो आपको ये पूरा विथ फिफ्टीन है ये वाला ठीक है फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी क्योंकि ये रेडियस दिया हुआ है रेडियस और हमें ये पूरा ऐसे डबल लेना तो ये इतना फिफ्टीन और ये इतना 15, तो ये 15 प्लस 15, 30, दो ठीक है तो आपने मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विथ और मैक्सिमम विथ बना लिया अब उसके डब्बे कंस्ट्रक्ट कर दो ठीक है अभी हमें फ्रंट व्यू कहां बनेगा हमारा क्योंकि हमें बोला है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो भी चीज बोली गई लिख लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑल डायमेंशन आर इन एम एम तो यहां पे बनेगा आपका इस साइड रहेगा आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू ओ का है आपका ओ ओरिजिन ये तो ये ओ ओ पॉइंट से जो भी जुड़ी हुई चीजें रहेंगी वो आपको इधर बनानी है तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा अगर आप सामने से देखोगे तो आपको मैक्सिमम हाइट और ये वेथ दिखेगा ये मैक्सिमम हाइट और ये मैक्सिमम वेथ दिखेगा तो इसको बना ले हाइट कितना है आपका फोर्टी तो फोर्टी यानी कि फोर सेंटीमीटर यहां से मैंने ये ये जो आपने एक्सेस के नीचे से, वन सेंटीमीटर लाइन बनाई है ना वहां से आपको लेना है वन टू थ्री फोर फोर और ये फोर पॉइंट टू इतना हो गया ठीक है अभी आपको ये लाइन को ऐसे करके प्रोजेक्शन ले लेना है एंड मेक श्योर कि ये एटलीस्ट आप एकदम पैरेलल लो इसमें आप गड़बड़ ना करो थोड़ा भी गड़बड़ वन वन एम एम का डिफरेंस आ जाएगा तुरंत ये हो गया आपने बना लिया यहां पे हाइट ठीक है मैक्सिमम हाइट जो आप बनाने वाले हो यहां पे देन आपको क्या करना है वेट, वेट कितना था ये हाइट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो यहां पे ठीक है वेट कितना है गाइस आपका इसमें फिफ्टीन फिफ्टीन मतलब सेवेंटी फाइव तो इसको सेवेंटी फाइव ले लेते हैं तो ये इतना सेवन हो गया ये पॉइंट फाइव तो ये हो गया सेवेंटी फाइव विथ्थ है तो यहाँ मार्क किया मैंने पॉइंट सेवेंटी तो फाइव का पॉइंट वापस अपने रोलर स्केल में लेके मार्किंग किया सिर्फ एक आपका पैरल होना चाहिए बाकी सब आप अपने आप बना सकते हो ये लंबा जाएगा राइट तो इसको मैं ये दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करती हूँ इस रोलर स्केल के हेल्प से एंड एक लाइन प्रोजेक्ट कर देती हूँ डन नाउ वॉट यू है और लंबाई तो इतनी ही रहने वाली है तो ऊपर मुझे कितना बनाना है यहाँ पे फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी यानी कि थ्री एम एम थ्री सेंटीमीटर तो यहाँ पे मैं थ्री थ्री का बॉक्स बना देती हूँ ऊपर से वो कितना दिख रहा है ठीक है और यहाँ पर भी वो कितना दिखेगा गाइस साइड व्यू साइड व्यू ये फ्रंट व्यू ये साइड से आप ऐसे देखोगे और टॉप से ऐसे तो साइड से आप देखोगे तो ये कितना दिखेगा आपको सिर्फ थ्री सेंटीमीटर चौड़ा दैट थर्टी एम एम तो यहाँ पे मैंने थ्री का बना लिया तो ये फिगर काफी छोटा बनने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर दिया आप सबके लिए क्योंकि फिगर छोटा होने वाला है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं करने के लिए तो यहाँ पे हमने बना दिया ये वाला बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर देती हूं मैं फाइनल तो ये हो गया विथ कितना सेवेंटी फाइव फोर्टी सेवेंटी फाइव फोर्टी टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर थर्टी दिस इज ऑल्सो थर्टी अब हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस डाल देते हैं ओके okay. तो so, यहाँ पे आप क्वेश्चन जो देख रहे हो वो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते सेंटर लाइन जो है वो किधर है सेंटर लाइन यहाँ है सेंटर लाइन यानी कि पंद्रह पंद्रह है मतलब बीच में है तो पंद्रह पंद्रह मतलब ऊपर से पंद्रह और नीचे से पंद्रह लेना पड़ेगा मुझे सेंटर लाइन बनाने के लिए तो यहाँ पे हम दोनों साइड से पंद्रह ले, ले लेते हैं मतलब वन पॉइंट फाइव ये कहाँ आपको सेंटर लाइन दिखेगा साइड व्यू में बट हम फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं तो फ्रंट व्यू में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है ये पीछे से सेंटर लाइन यहाँ कहाँ आ रहा है ये पीछे से आप सेंटर लाइन देखो तो ये कितने डिस्टेंस पे है तो ये पूरा फिफ्टीन है ना तो ये फिफ्टीन के हाफ मतलब फिफ्टीन का डिस्टेंस पे ये रेडियस फिफ्टीन है तो फिफ्टीन के डिस्टेंस पे आपको सेंटर लाइन लेना है ठीक है तो आप पे सेंटर और सेंटर लाइन लाइन और हमेशा ऊपर वाले बॉक्स में से भी क्रॉस होना चाहिए डॉटेड लाइंस ठीक है यहां पे सेंटर लाइन बना दिया नाउ व्हाट यू हैव टू डू अब ये ऊपर से भी 15 की दूरी पर आएगा सेंटर लाइन हॉरिजेंटल वाला ये वर्टिकल हो गया हॉरिजेंटल भी तो 15 की दूरी पर आएगा तो 15 ले लेते हैं एंड ये पैरल मैं यहाँ से रोलर स्केल पे ले लेती हूँ बहुत छोटा फिगर बनने वाला है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना और होगा इसमें प्रसीशन रहेगा तो बेटर रहेगा ठीक है दोनों साइड मैंने ले लिया वही सेंटर लाइन को एक्सटेंड अगर आपको रोलर स्केल पे भरोसा नहीं है तो यहाँ पर भी आप 1.5 सेंटीमीटर लेके बना सकते हो कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे थोड़ा हिल गया है। देखो टू, देख साफ -साफ। तो टू एम का गैप आप देख सकते हो साफ साफ तो ये टू एम का गैप अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे दूसरा तरीका ये वाले सेंटर लाइन को इरेज करो चुपचाप तो यहाँ पे ले लो एंड देन ज्वाइन कर दो हो गया अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं अब आपको क्या करना है ये रेडियस पहले तो फिफ्टीन का रेडियस लेके ये पूरा सर्कल बनाना है तो यहाँ पे मैंने रोलर स्केल पे आप 15 का रेडियस ले सकते हो ना प्रो सर्कल के पास आप प्रो सर्कल में आपके पास ऑलरेडी 15 का रेडियस वाला है सर्कल तो यहाँ पे आपको करना क्या है बस ये अलाइन करना है अलाइन कर दिया आपने एंड ये बन गया आपका सेमी सर्कल ठीक है ये सेमी सर्कल आपका रेडी हो गया अब आपको क्या करना है सेमी सर्कल बनाने के बाद ये इलेवन नीचे से इलेवन के एम एम इलेवन एम एम की दूरी पे ये लाइन मारनी है तो नीचे से इलेवन एम एम आ जाए यहां इलेवन एम एम ले लो इस एंड पे और यहां इलेवन एम एम ले लो इस एंड पे एंड ये एक फेंट लाइन बना दो फिलहाल के लिए तो ये वाला जो लाइन है वो इसको ऐसे पैरेलली यहाँ यहां से ले लो ठीक है एंड ये तो पीछे से पूरा दिखेगा राइट ये पीछे से अगर मैं देखूं तो ये पीछे से पूरा दिख रहा है।, hmm. तो है तो ये यहाँ पे पीछे से पूरा ऑब्जेक्ट लाइन बना दिया ये ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ तक है तो ये ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ तक आ गया अब मुझे क्या करना है ये ऑब्जेक्ट लाइन को ऐसे पूरा आगे तक लेके जाना है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है तो ये यहाँ पे रखा एंड दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट लाइन का कंस्ट्रक्शन ठीक है तो ये साइड व्यू में आप फ्रंट uh, व्यू में आप देख सकते हो कि पूरा ये मैंने ये वाला पोर्शन बना लिया है अब बचा ये सर्कल ये सर्कल कितना है फिफ्टीन एम mm एम डायमीटर यानी कि सेवन पॉइंट तो फाइव हम सेवन पॉइंट फाइव नहीं लेंगे हम एट लेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बन जाता है सेंटर लाइंस पर अलाइन करेंगे एंड देन हमारा सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर दिया ये एक्स्ट्रा जो बाहर निकल गया उसको इरेज कर दो बहुत आराम से करोगाइस ये सब इरेज करने से अच्छा दे आपको क्या करना है वो आपने बना लिया अब जाते हैं टॉप व्यू में टॉप व्यू में देखते क्या क्या दिख रहा है हमें तो टॉप व्यू में हमें सबसे पहले ये ये ऐसा जो आपको पोर्शन है ना ये वाला ये वाला ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा अब ये पोर्शन बनाने के लिए आपको दो सेंटर लाइन बनाना है एक फिफ्टीन एम एम की डिस्टेंस है यहाँ पे फिर फिफ्टीन फिर फिफ्टीन मतलब 15 15 एम mm के डिस्टेंस पे आपको दो सेंटर लाइन बनानी है तो एज यूजल जो हमारा टेक्निक है 15 एम mm, एम 15 एम एम देन फिर से ऊपर जाएंगे 15 एम mm, 15 फिफ्टीन एम देन सेंटर लाइन बना दे, नीचे भी तो एक्सटेंड करना होगा फिर यहां पर भी सेंटर लाइन आएगा फिर नीचे भी एक्सटेंड करना होगा ठीक है यहां पे हमारा सेंटर लाइन रेडी हो गया अब हमें क्या करना है ये बीच वाला सेंटर लाइन ये बीच वाला सेंटर लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला कितनी दूरी पे है फिफ्टीन उसको भी बना लेंगे ठीक है ये बना लिया अब हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन किसका सर्कल का सर्कल कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारा प्रो सर्कल ले, ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पे mm का ऐसा रेडियस आने वाला है देखो ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये फिफ्टीन एम mm का ऐसा रेडियस तो यहाँ पे हम हमारा प्रो सर्कल का लेंगे रेडियस फिफ्टीन एम अगेन उसको अलाइन करेंगे हमारे सेंटर लाइन के साथ एंड देन कंस्ट्रक कर देंगे आपको चाहिए तो आप अपना कंपास भी ले सकते हो कंपास में आप 15 एम एम लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा बट जब आपके पास है इजीली कंस्ट्रक्शन अवेलेबल तो आप उसका यूज़ कर लो देन फिर हम जाते हैं इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेते हैं थोड़ा सा पीछे तो ये पूरा ऐसा कंप्लीट लाइन दिखेगा तो इसको मैं सॉलिडिफाई कर देती हूँ साइड में भी ऐसा कंप्लीट दिखेगा इस साइड भी ऐसा कंप्लीट दिखेगा ठीक है नाउ वॉट वी हैव टू डू ये ऊपर का मैंने ऐसे पोर्शन बना दिया अब मुझे ये जो आठ का स्लॉट है ये आठ आठ का स्लॉट ये इतना दोनों साइड से वो बनाना है तो मैं क्या करूंगी सिंपल यहां से आठ का लाइन एंड नीचे से आठ का लाइन ले लूंगी ठीक है एंड देन प्रोजेक्शन कितना आएगा ये प्रोजेक्शन इधर तक तो यहाँ पे मैंने पैरेलल लिया एंड देन ये ऐसे ड्रॉ कर दिया ठीक है बन गया ये दोनों ये वाला और ये वाला यहां पे मैंने बना दिया ये दोनों ठीक है ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है अब बराबर है ठीक है फिर ये वाले सर्कल का डॉटेड आ जाएगा अंदर डैश लाइन नॉट डॉटेड लाइन डैश लाइन है इधर वाले में भी रहेगा क्योंकि दोनों साइड वो सर्कल है ये मैंने डैश किसका बनाया गाइस ये वाले सर्कल का ये जो अंदर सर्कल आपको दिख रहा है ना वो सर्कल ऊपर से कैसे दिखेगा दिखेगा ही नहीं ना लेकिन वो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर से देखो ऊपर से देखोगे तो वो दिखने नहीं वाला है बट वो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हमें उसको इसे डॉट में दिखाना पड़ता है कि भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा अब हमारा मेन चीज जो हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट दैट इज ये 15 -15 के डिस्टेंस पे तो उसके लिए आप ले लो ये प्रो सर्कल प्रो सर्कल में ये वाले सेंटर पे रखो ये वाले सेंटर लाइन से आपको कितने एम एम का है वो सर्कल का रेडियस ये फिफ्टीन फिफ्टीन का डायमीटर है तो फिफ्टीन का डायमीटर यानी कि आपको एट पे जाना है एट को अलाइन कर दो एंड देन हाफ से सेमी सर्कल बना लो सेम कंस्ट्रक्शन आप यहां करो एंड सेमी सर्कल बना लो ठीक है सेमी सर्कल बना लिया आपने सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है ये लाइंस को ज्वाइन कर देना है ये एंड लाइंस को ठीक है हो गया ज्वाइन अब आप देख सकते हो ये सर्कल रेडी हो चुका है बस थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो कि मिस्टेक नहीं है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड जस्ट बिकॉज हमने प्रो सर्कल यूज किया अगर आप इसको कॉम्पस से ड्रॉ करोगे तो एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट बनेगा अभी यहां ध्यान दे दो सामने से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा क्या सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं बट ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका आपको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ क्या बनाना पड़ेगा गाइस थोड़ा सा डॉटेड बनाना पड़ेगा सो यहाँ पे मैं ये सेंटर लाइन का ओरिएंटेशन लेके डैश लाइंस बना देती हूँ तो ये यह यहाँ पे बन गई हमारे डैश लाइंस कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है नाउ वी हैव टू नॉ द साइड व्यू व्यू साइड बहुत इजीली फटाफट हो जाएगा कैसे करना है जो मेजरमेंट वाला टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हो वरना फोर्टी फाइव डिग्री एंगल वाला जो मैंने बताया आपको वो पहले आपको क्या करना है जो कॉर्ड्रेट बचा है उसमें फोर्टी फाइव डिग्री ले लो फोर्टी फाइव डिग्री लेने के बाद जिस पॉइंट से लिया है उस पॉइंट को उसे ज्वाइन कर दो एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो सबसे पहले ये तो आपने एंड में बना ही लिया है ये वाला पार्ट ये से पूरा दिखेगा दोनों साइड से सामने से भी ये कंप्लीट फिगर रहने वाला है ठीक है ये से पूरा ऐसे लाइन रहेगा ठीक है अब बात करते ये वाले प्रोजेक्शंस की इन लाइंस की तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लू यहाँ एंड देन पैरेलल प्रोजेक्शन नीचे तो यहां ये ऐसा डैश आएगा क्यों क्योंकि ये सामने से सा अगर आप देखोगे यहां से देखोगे साइड से तो आपको ये दिखेगा नहीं कि ये है बट वो उसके अंदर एग्जिस्ट करे इसलिए आपको डॉट लाइन्स बनानी ही पड़ेंगी देन इसका प्रोजेक्शन ले लेती हूं मैं इसके डॉट लाइन्स आ जाएंगे ठीक है देन इसका प्रोजेक्शन ये एट एम mm वाले का तो आपको एट एम mm का क्या करना है खिचड़ी नहीं करना डायरेक्टली दोनों साइड से एट एट ले लो ये एट हो गया लाइंस यहां से ये एट ले लो एंड पैरेलली कंस्ट्रक्ट कर दो ये से पूरा सॉलिड लाइन आएगा क्योंकि वो पूरा दिखेगा फिर ये सॉलिड लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है ये सर्कल का डॉटेड डैश लाइन यहाँ बनानी है ठीक है डन अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगा और ये डॉट में आ जाएगा बना दिया यस yes. यहां से देखोगे साइड से तो आपको ये दोनों दिखेगा बना दिया उसके बीच में जो गैप है ट्वेल्व का एंड दस तो इसका ये यहाँ पे डॉट कंस्ट्रक्शन आ जाएगा देन यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे तो आपको ये दोनों दिखेगा ये दोनों बना दिया देन ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ठीक है So, यहाँ पे डायमेंशनिंग करना रह गया तो उसको फटाफट -फड़ कंप्लीट कर देते हैं डायमेंशनिंग का एक ही फंडा है कोई भी डायमेंशन uh, फिगर के अंदर नहीं जाना चाहिए ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए तो वो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है क्वेश्चन को देखो जो जो जहां जहां दिख रहा है वही डायमेंशन कर दो ये ट्वेंटी सेवन यहां है यहां मतलब यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर लो एंड दिस इज ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट क्या है आपका ये रेडियस फिफ्टीन इसको भी यही बना दो ये रेडियस फिफ्टीन है देन और क्या आपको फ्रंट में है ये इलेवन इलेवन को आपको चाहिए तो आप यहां बना दो और इल्स आप इस साइड भी बना सकते हो तो ये इलेवन बनाने का तरीका हमारे पास बहुत सारा है हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है देन ये एट एट ये एट एट का थिकनेस है एट एट का थिकनेस आप यहां से ही बना सकते हो फाइन और अभी बच गया हमारा कौन सा डायमेंशन ये वाला तो इसको कैसे करना है फिफ्टीन फिफ्टीन उस हिसाब से भी कर सकते हो ये यह यहाँ पे ट्वेल्व है तो आप इसको यहाँ पे से एक्सटेंड करके ट्वेल्व लिख सकते हो यहाँ पे ये यह फिफ्टीन है ठीक है तो यहाँ पे फिफ्टीन फिफ्टीन लिख दो फाइन ओके सो वी आर डन विद द डायमेंशनिंग आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कोई भी डाउट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन था थर्ड एंगल का फर्स्ट एंगल का हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ले लिया है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये तो काफी ईजी था उसके हिसाब से तो इसी हिसाब से हम लोग हमारे क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग